नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस प्रेजेंटेशन में एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अर्जेंट प्रेजेंटेशन है, इसलिए मैं ये फटाफट प्रेजेंटेशन करके आपके सामने ला रहा हूं। इसका मकसद, एक नोटिफिकेशन आया है, एक मैसेज आया है चेयरमैन की तरफ से कि जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसीज है, अगर आप SSC की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा। 9 दिसंबर है इसकी लास्ट डेट है। आपके पास जो ग्रीवेंसीज हैं, अगर आपका एग्ज़ाम किसी कारणवश मिसमैनेजमेंट हुआ है, या सर्वर प्रॉब्लम है, या आपका सर्वर बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो आप वो मैसेज है, अपनी कंप्लेंट है, SSC को भेज सकते हैं। आप पूरा मैसेज ये देख सकते हैं यहाँ पे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2016 टायर 2 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज कंडक्टेड द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2016 टायर 2 फ्रॉम 30th नवंबर टू 2nd दिसंबर 2016। द कमीशन हैज रिसीव्ड सम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन एक्सप्रेसिंग देयर इंडिविजुअल ग्रीवेंसेज विद रिगार्ड टू कंडक्ट ऑफ द टायर 2 एग्जामिनेशन। The representation received up to 9th December 2016 would be comprehensively and objectively examined. The process for which is already in progress and would be completed in a time-bound manner. Commission would make a concerted effort to ensure that no injustice is done to any genuine candidate, and there would also be no compromise on merit-based selection for this examination. Asim Khurana, Chairman, ये notice अभी चल रहा है। मैं इसलिए प्रेजेंटेशन ला रहा हूँ कि बहुत सारी हमारे पास ईमेल आ गई है और इंडिविजुअल ईमेल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मैं ग्रुप में प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ ताकि सभी को रिप्रेजेंट किया जा सके। एक तो ये नोटिस है, और आपको अपनी कंप्लेंट भेजनी है आज और कल में ही भेजनी है। 9 दिसंबर तक ये कंप्लेंट आपकी पहुँचानी चाहिए। अब ये कंप्लेंट कहाँ पर पहुँचानी है आपको? रीजनल ऑफिस पे, जो आपको आपका रीजनल ऑफिस है कंसर्न, उनके पास ये आपकी कंप्लेंट जानी चाहिए। तो हर ऑफिस का, हर रीजन का अपना अपना अलग ईमेल एड्रेस होगा, उसके पास आप पहुंचाइए। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो आप ये एडमिट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जाइए। जब ये खुलेगा एडमिट कार्ड, तो जो भी आपका रीजन है, URL, उस पर आप जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, उन कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शायद कॉन्टैक्ट पर ज़्यादा आंसर न मिले आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्ट रीजन, क्योंकि ज़्यादातर कंप्लेंट है वो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्दर्न रीजन की है, तो आप वहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये साइट खुलेगी। साइट खुलने के बाद क्लिक हेयर टू इंटर दिस साइट, आप इसमें इंटर करेंगे, और उसके बाद आप कॉन्टैक्ट अस में जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद ये सभी के कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें जाइए आप, और इस ईमेल एड्रेस पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है SSCNWRGOI@gmail, या इस पर फ़ोन भी कर सकते हैं अगर आपको और कोई गाइडेंस लेनी है, उनको पूछना है। आमतौर पे फ़ोन उठाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होंगे, और वो लोग अगर फ़ोन उठाएंगे तो जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप उनकी भी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा कि आप अपना जो ग्रीवेंस है इस ईमेल पर ज़रूर भेजिए। एक तो ये बात हुई, और भेजने कैसे है, आपको भेजने के लिए सबसे पहले अपना जो ईमेल होता है सब्जेक्ट लिखना होगा, उसमें सब्जेक्ट में आपको रोल नंबर लिखना है, और रोल नंबर के साथ में सेंटर का नाम और आपकी प्रॉब्लम। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन करना है ईमेल में। मैं एक सैंपल जिसने किसी ने लिखा है वो आपको दिखाता हूँ, जिसने वास्तव में वो भेजा है, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो कि मुझे वास्तव में क्या लिखना है। ये किसी बच्चे की कंप्लेंट है, ये किसी बच्चे की ग्रीवेंस है जो हमें फॉरवर्ड किया है उसने। इसने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, आप उसका एज ए सैंपल के रूप में आप देख सकते हैं कि आप कैसे लिख सकते हैं। जो ग्रीवेंसिस है, CGL टायर, ये उन्होंने टाइटल लिखा होगा, SSC CGL टायर 2 अरविंद जे, रोल नंबर इतना। आप चाहें तो हल्का बीच में ब्रैकेट में एग्जाम सेंटर का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया है, आप एज ए सैंपल इसको ट्रीट कर सकते हैं। डियर सर, माई एग्जाम वाज ऑन 30th नवंबर एट सचदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पीतमपुरा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द सेंटर एज देर वॉज ए क्लियर स्पेलिंग मिस्टेक ऑन द एडमिट कार्ड इट सेल्फ। एडमिट कार्ड रीड
The address as Sachdeva Institute of Management and Technology, Sina Market, whereas there is no such market called Sina. However, after doing some research, I found that the center was at the Shiva Market in Pitampura. When I reached there, after much hassle, I found that the staff had not arrived by the scheduled time, that is 8:30 a.m. So naturally, the registration began late and the attendance was not marked in the stipulated time. Therefore, the test was begun in haste at the around 10 a.m. while all the noise and confusion was already going on. I was also not allowed to go through the 10-minute demo test. I was straightway taken away to the main test without any intimation. In the first 5 minutes of the exam, the server stopped responding and I was made to shift to a different system. By that time, I had lost all composure. During that time, people were still taking their seats and there was a lot of disturbance around. It was like that the staff did not know what we were there to take a national level test where every minute of the candidate matters and they need 2 hours of uninterrupted time to take the test to the best of their abilities. Even our thumb impressions were taken while we were taking the main test, which wasted at least 2 minutes of our exam time, and not to mention the cost of distraction because of people talking around you. 15 minutes before the test was bound to end, the power went out and there was no power backup at the center. We were asked to remain calm, but by that time I had lost all hope of clearing that exam this year. My exam was restarted, but the remaining time was reduced to 11 minutes approximately. I had lost 4 crucial minutes of exam time because of the power cut. Later, after literally begging to the staff, I was allowed 4 minutes of additional time that could not cover up for loss that I had incurred due to all chaos at the center and power cut in between the examination. I don't have any complaint regarding the English test as it was conducted in a much better way than quantitative was. Quantitative paper was totally ruined and I lost at least 20 marks due to the mismanagement of the staff at the center. It is my humble request that I may be allowed 2 hours of uninterrupted time to take the maths test again. I also request that retest is also better supervised by the commission itself so that such mismanagement does not repeat. All the details mentioned in this email can be corroborated by the CCTV cameras installed at the center. Regards, जो भी कैंडिडेट ने अपना नाम मोबाइल नंबर और नाम लिखा है, जो इसने लिखा मुझे लगता है परफेक्ट ईमेल है. मैंने एज ए मॉडल सैंपल के रूप में आपको बताया है कि आपको अपनी कंप्लेंट सिस्टमेटिकली कैसे लिखनी है, विद फैक्ट्स कैसे लिखना है, और अपना रोल नंबर, कहीं ऐसा नहीं कंप्लेंट लिख दी रोल नंबर ही नहीं है तो वो कैसे आपको ट्रैक करेंगे. रोल नंबर, मोबाइल, नाम और सेंटर का नाम, ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी. अगर आपने यही नहीं लिखी तो वो कैसे आपके आपके लिए कोई इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे या फिर एग्जामिन करेंगे आपकी प्रॉब्लम. अगर आपने ये लिखी, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी आपको जस्टिस मिलेगा. आप भी पॉजिटिव रहिए क्योंकि पॉजिटिव रहना इसमें सबसे बड़ी भलाई होगी. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, जिनका अच्छा एग्जाम नहीं हुआ किसी कारणवश मीन्स जो SSC की वजह से, तो आप ये एक्शन ले सकते हैं. इसकी आखिरी डेट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, वो SSC ने 9 दिसंबर तक बताई है. इसके बाद अगर आप देते हैं तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस न किया जाए. बेटर ये है कि आप इमीडिएटली आज ही इस प्रॉब्लम को SSC के सामने रख दीजिए. अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो मैंने आपको उसका बता भी दिया कि किस एड्रेस पे आपको जाना है. ये रीजनल साइट है, आप इस पे जा सकते हैं रीजनल साइट पे. जैसे आप उस पे जाएंगे SSC की मेन साइट पे, तो एडमिट कार्ड पे जाइए, वहाँ पे आपको रीजनल साइट का एड्रेस भी आपको मिलेगा, तो आप वो देख सकते हैं. और अगर आप मिलना चाहते हैं, बेटर एक ये भी तरीका हो सकता है कि आप उसके ऑफिस में जाकर आप उनसे मिलिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए. तो जो कैंडिडेट या पब्लिक कैन विजिट, हर रीजनल ऑफिस का अपना अपना टाइम होता है, अपना अपना डे होता है मिलने का. तो ये वेडनेसडे को, अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूँ, वेडनेसडे को 3 PM है हियरिंग होती है ग्रीवेंसेज से रिलेटेड. तो आप पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए अपना केस बताकर, और अपॉइंटमेंट होने के बाद में
आपको वेडनेसडे को 3 PM वो मिलेंगे. प्लीज सेंड यूर ग्रीवेंस इन राइटिंग बाय पोस्ट और बाय ईमेल एट दिस एड्रेस. तो आप इस तरह से मिल भी सकते हैं. और अगर उसके बाद भी 7 या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपको कोई भी रिप्लाई ना आए, क्योंकि वो एग्जामिन कर रहे होंगे, रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन उनके पास पहुंचे हुए होंगे, तो आप RTI फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन RTI फाइल करके अपने केस को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, ताकि लीगल प्रोसीडिंग अगर बाद में हो तो आप उसमें अपनी तरफ से पूरा सबूत दिखा सको. ये मेरी आपसे विनती है कि आप 3-4 स्टेप जरूर कीजिए. पहले अपना ईमेल लिखिए, उसके बाद अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर मिलने की कोशिश कीजिए, या स्पेसिफिक डे में ही आप मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो सकती है, तो जल्दी से वो एंट्री नहीं करेंगे, आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना होगा. उम्मीद करता हूँ कि आपका 2016 ओवरऑल अच्छा जाएगा. जिनका री एग्जाम होना है या फिर कैंसिल एग्जाम हो चुका है, या जिनका फर्स्ट टाइम में अच्छा लगता, दोनों एग्जाम अच्छे हुए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन. ऑल द बेस्ट.